ये उसका बुनियादी हक है। हमारे खिता में बतौर खास और यूं तो पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त दो तबकों के दरमियान खुसूसी मराद के हुसूल और खुसूसी मराद के तहफ्फुज़ को लेकर एक कश्मकश जारी है। इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि जो लोग एक तवील अरसे से अपने हकूक के हसूल के लिए जिद्दोजहद करते हैं उन्हें हक हासिल है, जो लोग अपने हकूक का तहफ्फुज़ चाहते हैं उन्हें हक हासिल है, लेकिन मराद ही सब कुछ नहीं है। सबसे पहले हर वक्त हमारे सामने ये बात रहनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं और बहैसियत इंसान हमारे एक दूसरे पर कुछ हुकूक हैं। फिर उसके साथ साथ ये हमारे अंदर सोच होनी चाहिए, इंसानियत के सबसे बड़े लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशहदु अन्नन्नास इख्वा, कि तमाम इंसान आपस में बहैसियत इंसान भाई भाई हैं। तो भाई के हकूक होते हैं, भाई का अदब एहतराम, भाई की के हकूक का तहफ्फुज़, भाई के हकूक के निगहदाश्त। तो हमें ये भूलना चाहिए नहीं चाहिए कि हम इंसानी रिश्ते से सारे के सारे भाई भाई हैं। और अगली बात भी मैं ये जरूर कहूंगा कि कुरान हकीम जो एक आसमानी किताब है, चूंकि इस कश्मकश में जो तबकात जो है वो बरसरे पैकार है, उनमें एक बड़ा हिस्सा अहले ईमान का है। कुरान हकीम ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, के तमाम असहाबे यकीन और ईमान को भाई भाई है। तो हमें अपने इंसानी रिश्ते को किसी लम्हे नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने ईमानी रिश्ते को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी रिश्ते को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप अपने हकूक के हसूल के वक्त, आप अपने हकूक के तहफ्फुज़ के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने अल्फाज के अंदर कंट्रोल हो, जब्त नफ्स हो, आपके अल्फाज से दूसरे की तहदीर हो, तनवीस हो, ताईब हो, तजलील हो, एक तनफीर की बू आए, ये इंतहाई काबिले मुजम्मत फेल होगा। हम दुश्मनों का एहतराम करना ना भूलें, दुश्मनों की इज्जत का ख्याल रखें। अगर हम दुश्मनों की बेइज्जती करके, दुश्मनों को रुसवा करके, दुश्मनों के लिए दिल में नफरत पैदा करके कोई मुकाम हासिल करना चाहे या उसका तहफ्फुज़ करना चाहे, ये बहुत बुरी बात होगी। हमारा पहाड़ी तबका हो, गुजर तबका हो, अपने हकूक के लिए आप आजाद हैं, लेकिन ये अपने इंसानी रिश्ते को, अपने पड़ोस को ना भूलें, ये ना भूलें। अरबी के अंदर कहते हैं अहबिब हबीबक हौनम्मा असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा, अब फिर बगीज़क हौनम्मा असा अन यकून हबीबक यौमम्मा, कि जब आप किसी के साथ कुछ रंजिश हो जाए तो उसमें इतने आगे न बढ़ जाओ कि कल दोस्ती करते हुए शर्मिंदगी हो, और दोस्ती के अंदर इतने आगे न बढ़ जाओ कि कभी रंजिश का वक्त आए तो आपको नदामत हो। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा जो है वो गमियां, हमारी खुशियां सदियों से मुश्तरक है, और यकीनन ये ऐसा एक जो है वो इश्तराक है जिसको जुदा करना नामुमकिन है, और जुदा करना बहुत बुरी बात है। मैं हमारे इन अजीज मीडिया अफराद के जरिए हर दो तबके से दरखास्त करूंगा मुकदमाना कि कतअन जो है एक दूसरे की तहमीर, तजलील और तोहीन वाले अल्फाज या दूसरों के दिल को दुखाने वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें, इससे दूरियां पैदा होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहि रहमत जो इस मुल्क के पहले वजीर तालीम हैं, उन्होंने एक मौके पर कहा था कि अगर आसमान से फरिश्ता आए और कुतुब मीनार पर आकर ये कहे कि हम हिंदुस्तानियों तुम्हें आजादी को दे देंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है ये बात आप ना,
लिहाजा इस किस्म के वो चंद महदूद जयाले जानिबेन से जो हदूद से तजावुज करते हैं, जो एक दूसरे की इज्जत नामूस और अपनी कराबत और पड़ोसी होने का ख्याल नहीं रखते, उनसे हमारी दरख्वास्त है मुअद्दबाना कि आप इस जुर्म से, आप इस गुनाह से ताइब हो जाएं और आइंदा इस किस्म के जुबान के इस्तेमाल से अपने आप को बात रखें। मेरे इस मौके से मुनासिब समझा कि ये चंद बातें भी मैं अर्ज कर दूं। अब हम मुख्तसर सी दुआ करते हैं और फिर तलवा